दोस्तों, मैं हूं आकाश सिंह। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ITI स्टडी पॉइंट में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंजीनियरिंग का एक पार्ट, फ्री हैंड स्केच, जिसमें मैं आपको क्ला हैमर बताना सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ज़बरदस्त ट्रिक है जिसे आप लोग, जैसे कि मैं बनाऊँगा, उसे आप फॉलो करेंगे बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इसमें 5 मिनट का टाइम लगेगा। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। सबसे पहले आप यहाँ से कर्व दो रेखाएं खींचेंगे। कर्व नहीं, इसके बाद यहाँ से भी हम दो लाइनें खींचेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ हम इसको सीधा लाएंगे। ये दोनों रेखाएं सीधी लाने के बाद यहाँ से इसको बाहर की तरफ हाफ सर्कल बनाएंगे। सर्कल जो है बिल्कुल बराबर होने चाहिए, ठीक। उसके बाद में यहाँ इसका हम फेस बनाएंगे। इसका जो हैंडल का होल होता है वो थोड़ा सा चौकोर शेप में या आयताकार शेप में रखा जाता है। इसका हैंडल इस साइड में जाएगा। इसकी जो झिर्री वाली दो भुजाएं होती हैं जबड़े, इनको थोड़ा सा बराबर रखना चाहिए, जो कि इसमें छोटी हो गई है। जो यहाँ पे झिर्रियाँ होती हैं इसी के द्वारा कील निकाली जाती है, इस पॉइंट्स के द्वारा, ऐसे हम क्ला हैमर बोलते हैं। पार्ट और जो नोमेनक्लेचर इसका सेम वही होता है, सिर्फ इसकी पिन में डिफरेंस होता है, बाकी इसका हैंडल उसी प्रकार सेम होता है। इसका फेस हो गया। यही जरूरी होती है किल निकालने के लिए, ठीक है। इसका होल हो गया, इसे आई होल बोलते हैं। बाकी हैंडल में हम लकड़ी की डायमेंशन बना देते हैं। दोस्तों, एक ज़बरदस्त ट्रिक है। सबसे पहले आप स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से करना है, ठीक है।
यहीं से करोगे फिर यहाँ तक एंड लाओगे, उसके बाद में हैंडल बनाओगे। सबसे पहले आपको पिन बनानी है इसकी, सबसे इम्पोर्टेंट पिन ही होती है जो शेप देती है, पिन का ही सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो सबसे पहले आप पिन बनाएंगे, उसके बाद में उसका पूरा डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। तो इस डायग्राम को अच्छी तरह आप देख लीजिए और उसको फ्री हैंड स्केच में ही बनाना है। इसमें स्केल वगैरह या किसी भी डायमेंशन को मापने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसे फ्री हैंड स्केच ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसका पैमाना या यूज भी कर रहे हैं तो उसको बाद आप फ्री हैंड के द्वारा इसके लाइनों को दोहरा दें, जिससे कि आपको पता नहीं चलेगा कि किसी ने पैमाना यूज किया है, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारा पूरा होता है। उसके बाद आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। इसके कभी भी आप एग्ज़ाम में अगर डायग्राम बनाते हैं तो इसका नोमेनक्लेचर जरूर दर्शाएं, जिससे कि आपके नंबर कटेंगे नहीं। आप सिंपल अगर डायग्राम बना के चले आते हैं, अगर आपने इसका नोमेनक्लेचर नहीं किया, कौन से पार्ट कहाँ हैं दर्शाए नहीं, तो आपके नंबर कट जाएंगे। और कभी भी ड्राइंग बनाते समय स्वच्छता का बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि जो नंबर कटते हैं वो स्वच्छता के कारण ही कटते हैं। तो इसमें बिल्कुल अगर कहीं भी पेंसिल चला रहे हैं आप, तो बिल्कुल पहले तो बहुत ही हल्की चलाएं। अगर डायग्राम सही बनता है तभी उसको दोहराएं ऊपर से। फर्स्ट टाइम पेंसिल का यूज करते हैं तो बहुत ही हल्की चलाएं, और हमेशा जो पेंसिल यूज करते हैं HB या 2H पेंसिल का यूज करें पहले, तो जो सॉफ्ट होती है, उसके बाद में हार्ड ग्रेड की पेंसिल से दोहराएं। जब डायग्राम आपका पूरा बिल्कुल आपको लगे कि करेक्ट बन गया है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि यह वीडियो कैसी लगी। इसके बाद हम आपके लिए नया कोई डायग्राम लाएंगे।